आज़ाद भारत का एक ऐसा केस जो शुरू तो एक ज़मीन विवाद से हुआ मगर बाद में धर्म और आस्था का केंद्र बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी अयोध्या की। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लड्डू। अयोध्या केस की सुनवाई पूरे 40 दिन चले और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज इसका फैसला आ जाएगा। फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम न्यायालय से। इसलिए लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो शांति बनाए रखें और कोई ऐसी हरकतें ना करें जिससे अशांति का माहौल समाज में कायम हो। और हम भी आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया शांति बनाए रखें। फैसला किसी के हक में आए, चाहे वो हिंदू के हक में आए या मुसलमान के, हम सबको अपने समाज में शांति बनाने की ज़रूरत है। चूँकि यह मामला आज़ाद भारत का सबसे पुराना मामला है तो इसलिए यूपी सरकार ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। अच्छे सुरक्षा की इंतज़ाम की गई है, लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो अंदर अयोध्या में आ रहे हैं उनका जांच पड़ताल किया जा रहा है और ड्रोन से भी नज़रें रखी जा रही है। कहीं चूक की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही, मगर फिर भी लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। सुरक्षा की नज़रिए से देखते हुए यूपी में 144 लागू कर दिया गया है, तो वही कश्मीर में भी 144 लागू है। सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, वहीं दिल्ली में भी स्कूल को बंद किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार की पैनी नज़र है। कोई भी ऐसा मैसेज जो हमारे समाज में अशांति फैला सकता है, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए कृपया ध्यान से आप मैसेज को फॉरवर्ड करें और कोई ऐसी मैसेज आप दूसरे को ना भेजें जिससे आप मुसीबत में पड़े। इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ हमें शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। फैसला क्या आएगा ये तो अब 10:30 ही पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने द लड्डू को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत कर लें ताकि हम पहुँच सकें आप तक सबसे पहले। शुभ रात्रि।